दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शेष नाग के कई अवतारों का उल्लेख मिलता है, जिसमें राम के भाई लक्ष्मण और कृष्ण के भाई बलराम जी का मुख्य किरदार है। रामायण के अनुसार राजा दशरथ के तीसरे पुत्र थे लक्ष्मण। उनकी माता का नाम सुमित्रा था। अपने जन्म के तुरंत बाद लक्ष्मण तब तक रोते रहे जब तक उन्हें राम की बगल में नहीं रख दिया गया। उस दिन के बाद से वे हमेशा राम के साथ रहे। लक्ष्मण विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए राम के साथ थे और वनवास में भी उनके साथ रहे थे। उनकी भक्ति ऐसी थी, उन्होंने अपनी पत्नी को अपने साथ जंगल ले जाने से भी मना कर दिया। वहीं लक्ष्मण ने 14 साल तक सोने से भी इनकार कर दिया ताकि वो दिन और रात अपने भाई की सेवा कर सके। लक्ष्मण के लिए माता पिता गुरु भाई सब कुछ राम ही थे और उनकी आज्ञा का पालन ही उसका मुख्य धर्म था। वे उनके साथ सदा छाया की तरह रहते थे। भगवान श्री राम के प्रति किसी के भी अपमान सूचक शब्द को लक्ष्मण कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। वास्तव में लक्ष्मण का वनवास राम के वनवास से भी अधिक महान है। 14 वर्ष पत्नी से दूर रहकर उन्होंने राम की ही सिर्फ सेवा की और अपने जीवन का यही लक्ष्य बनाया। रामायण में अभी इतने रहस्य अनजाने हैं जिनकी कल्पना करना भी हमारे लिए मुश्किल है। रामायण एक अथाह सागर की भांति है, जिसमें डुबकी लगाने पर भी उसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। रामायण की घटनाओं का अलग अलग तरीके से व्याख्यान किया गया है। रामायण के कुछ विशेष पात्रों और चरित्रों की बात तो सभी करते हैं, लेकिन एक ऐसा भी पात्र है जिसकी चर्चा शायद ही कहीं मिलती है। आज हम बात कर रहे हैं लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला देवी की। लोगों का मानना है कि रामायण में उर्मिला के त्याग, सेवा, प्रेम और निस्वार्थ भाव को कम आंका गया है। रामायण में देवी उर्मिला को एक साधारण सी स्त्री की तरह दिखाया गया है, जबकि सत्य यह है कि उर्मिला का त्याग और समर्पण अतुलनीय है, और सच कहें तो अतुलनीय ही नहीं, अनमोल है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उर्मिला जनक नंदनी सीता की छोटी बहन थी और सीता के विवाह के समय ही दशरथ और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण को ब्याही गई थी। जब राम और सीता के साथ लक्ष्मण भी वनवास को जाने लगे, तब पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने की जिद की। उर्मिला ने बहुत मिन्नतें की कि वो भी अपने पति की सेवा करना चाहती है, पति के हर दुख सुख में साथी बनना चाहती है, पर लक्ष्मण जी ने उन्हें उनके कर्तव्य और धर्म की दुहाई देकर वन जाने से रोक दिया। उर्मिला के लिए ये बहुत कठिन समय था। ऐसे में जबकि वो एक नववधु थी और उसके दाम्पत्य जीवन की अभी शुरुआत ही हुई थी, लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद उर्मिला के पिता अयोध्या आए और उर्मिला को मायके चलने का अनुरोध करने लगे, ताकि माँ और सखियों की संगति में उर्मिला का पति वियोग का दुख कुछ कम हो जाए। लेकिन उर्मिला ने अपने मायके मिथिला जाने से इनकार करते हुए कहा कि पति की आज्ञा के अनुसार उसे पति के परिजनों के साथ ही रहना है और दुख में और सुख में उनका साथ नहीं छोड़ना है। अब यही उसका धर्म है। ये उर्मिला का अखंड पतिव्रत धर्म था। जब लक्ष्मण जा रहे थे, तब इस सब से विकट क्षणों में भी उर्मिला आंसू ना बहा सकी, क्योंकि उसके पति लक्ष्मण ने उसे एक और वचन लिया था कि वो कभी भी आंसू नहीं बहाएगी, क्योंकि अगर वो अपने दुख में डूबी रहेगी तो परिजनों का ख्याल कैसे रख पाएगी। लेकिन जब सवाल ये उठता है कि लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला से 14 वर्ष तक दूर रहे, तो उर्मिला ने इस दौरान क्या किया, इस संबंध में मान्यता पर आधारित एक कथा पढ़ने को मिलती है। इस कथा का वर्णन राम चरित्र मानस आदि में नहीं मिलता। वन में पहली रात लक्ष्मण जागते रहे। जब राम और सीता सो गए, तब नींद की देवी निंद्रा उनके पास पहुँची। लक्ष्मण ने देवी निंद्रा से 14 साल के लिए अकेला छोड़ने की भीख मांगी, ताकि वो रात दिन अपने भाई और भाभी की रखवाली कर सकें। देवी निंद्रा उनकी भक्ति से प्रभावित होकर सहमत हो गई, लेकिन प्रकृति के नियम की मांग थी कि लक्ष्मण के हिस्से की नींद का बोझ किसी को उठाना पड़ेगा। लक्ष्मण ने कहा कि मेरी पत्नी उर्मिला के पास जाओ और उसे इस स्थिति से अवगत कराओ। देवी निंद्रा उर्मिला के पास गई। उर्मिला ने सिर झुकाकर उत्तर दिया कि मेरे पति के हिस्से की नींद मुझे 14 साल तक दो, ताकि वो बिना किसी थकान के पूरे समय जाग सके। इसके बाद उर्मिला 14 साल दिन रात सोती रही, जबकि उसके पति राम और सीता की सेवा में जागते रहे। एक कथा ये भी है कि रावण के पुत्र मेघनाथ को ये वरदान था कि जो व्यक्ति 14 वर्ष तक सोएगा नहीं और पत्नी से दूर रहेगा, वही उसे हरा सकता है।
हालांकि लक्ष्मण अपने भाई श्री राम और भाभी सीता की सुरक्षा और सेवा में इतने लगे रहे थे कि वो 14 वर्ष तक सोए ही नहीं। कथा अनुसार उसके बदले उर्मिला 14 वर्ष तक सोती रही। ये तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि अपने पति को 14 वर्षों के लिए अपने से दूर जाने देना और उसकी विदाई पर आंसू भी न बहाना किसी नवविवाहिता के लिए कितना कष्टकारी हो सकता है। कितना हृदय विदारक था वो पल, वो जब परम पूजनीय महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए पर वचन का सम्मान रखते हुए उर्मिला तब भी न रोई। यहाँ तक कि मेघनाथ के साथ युद्ध करते हुए लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग जाता है, उर्मिला तब भी नहीं रोई, बल्कि इस खबर को सुनकर उर्मिला हंसने लगी। दरअसल जब हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेने गए थे, तब जिस समय हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर लौट रहे थे तो बीच में उन्हें अयोध्या में भरत जी ने राक्षस समझ लिया। उन्हें लगा कि कोई राक्षस उनके राज्य के ऊपर से गुजर रहा है, इसलिए उन पर बाण चला दिया। फिर हनुमान जी नीचे गिरे और होश में आने के बाद हनुमान जी ने भरत को सारी कहानी बता दी कि लक्ष्मण जी के प्राण संकट में हैं और मैं उनके लिए संजीवनी बूटी लेकर जा रहा हूँ। ये बात जब कौशल्या माता ने सुनी तो उन्होंने कहा, हे हनुमान, राम से जाकर कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी ना रखे, राम वन में ही रहे। तब ये बात माता सुमित्रा ने सुनी तो सुमित्रा जी ने कहा कि हे हनुमान, राम से कहना कोई बात नहीं, अभी मेरा दूसरा पुत्र शत्रुघ्न मेरे पास है, मैं उसे भी वन में भेज दूंगी। ये मेरे दोनों पुत्र राम की सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का ऐसा प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए, परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो हनुमान जी सोच में पड़ गए कि उर्मिला जी क्यों एकदम शांत खड़ी है और मुस्कुरा रही है। क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं है? वास्तव में जब उर्मिला जी ने सुना कि उनके पति के प्राण संकट में है तो वो खड़ी होकर हंस रही थी। तब हनुमान जी ने पूछा कि हे देवी, आपकी इस हंसी का कारण क्या है? आपके पति के प्राण संकट में है, सूर्य उदय होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। फिर उर्मिला जी ने जो उत्तर दिया, इस बात को सुनकर तीनों लोकों में कोई भी प्राणी उनको नमन किए बिना नहीं रह सकता। उर्मिला जी ने हनुमान जी से कहा, भला किस बात की चिंता, मैं क्यों चिंता करूं? मेरा पति कभी संकट में नहीं आ सकता। मेरे पति संकट में कैसे हो सकते हैं जब मेरे पति के साथ खुद स्वयं भगवान श्री राम हैं। मेरे पति के जीवन का दीपक बुझ ही नहीं सकता। और रही सूर्य उदय की बात, तो आपके वहाँ पहुँचे बिना सूर्य उदय ही नहीं हो सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लिए बैठे हैं। जो व्यक्ति श्री हरि भगवान राम की गोद में लेटा हो, उसे काल भी नहीं छू सकता। या तो वो दोनों लीला कर रहे हैं, या फिर मेरे पति जब से वन में गए हैं वो सोए नहीं, इसलिए वो थोड़ा सा विश्राम कर रहे होंगे। जब भगवान की गोद मिल गई तो विश्राम थोड़ा ज्यादा हो गया, वो जरूर उठेंगे। शक्तिबान मेरे पति को नहीं लगा है, शक्तिबान तो श्री राम को लगा है। मेरे पति की हर सांस में राम है, उनके हर रोम रोम में राम है, और जब उनके शरीर में आत्मा में हर जगह राम है तो शक्तिबान राम को ही लगा है। और जब बाण राम जी को लगा है तो दर्द भी उन्हें ही हो रहा है, ना कि मेरे पति को। इसलिए हनुमान जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, सूर्य उदय जब तक आप तक पहुंचेंगे तब तक नहीं होगा। सूर्य में इतनी शक्ति नहीं कि लक्ष्मण जी के जागने से पहले उदित हो जाए। रावण के वध के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण वापिस अयोध्या लौट आए और वहाँ प्रभु श्री राम के राज तिलक की तैयारियां होने लगी। उस समय लक्ष्मण जी जोर जोर से हंसने लगे। जब लक्ष्मण जी से उनकी हंसी का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि सारी उम्र उन्होंने इस घड़ी का इंतजार किया कि मैं अब श्री राम का राज तिलक होते हुए देखूंगा, लेकिन अब उन्हें निंद्रा देवी को दिया हुआ वचन पूरा करना होगा जो उन्होंने वनवास जाने से पहले दिया था। दरअसल निंद्रा देवी ने उनसे कहा था कि वो 14 वर्षों तक उन्हें परेशान नहीं करेंगी और उनकी पत्नी उर्मिला उनके स्थान पर सोएंगी। निंद्रा देवी ने उनकी ये बात एक शर्त पर मानी थी कि जैसे ही वो अयोध्या लौटेंगे उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना होगा। लक्ष्मण इस बात पर हंस रहे थे कि अब उन्हें सोना होगा और वो राम का राज तिलक नहीं देख पाएंगे। उनके स्थान पर उर्मिला ने ये रस्म देखी थी। लक्ष्मण के उर्मिला से अंगद और चंद्रकेतु नाम के 2 पुत्र और सोमदा नाम की 1 पुत्री उत्पन्न हुई। उर्मिला के पतिव्रत का बल इतना था कि एक अन्य कथा के अनुसार लक्ष्मण की विजय का मुख्य कारण उर्मिला का पतिव्रता होना ही था।
मेघनाथ के वध की जब खबर सुलोचना को मिली और उसने अपने पति के कटे हुए सिर को देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाथ का वध मैंने किया है। मेघनाथ को धाराशाही करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। ये तो दो पतिव्रता नारियों का भाग्य था। सुलोचना के शब्दों का अर्थ था एक माता सीता और दूसरी देवी उर्मिला। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में हमने जो भी आपको बताया शायद आपको पहले नहीं पता होगा। अगर पता था तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें।